एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है, नेचुरल लेंथ है। सपोज करो मैंने इस पे एफ फोर्स लगाई 10 न्यूटन, 10 न्यूटन स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर, तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, मानते हो एक्सपैंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर वन आएगा, इसकी एक्सपेंशन बताओ कितनी है, इजी क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आपकी अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, आपकी फोर्स अप्लाइड 10 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है इसमें 100, और एक्स फॉर एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन क्या आएगी 10/100 मीटर। कोई डाउट इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है। ये पहले टाइप की प्रॉब्लम है जो स्प्रिंग की एक्सपेंशन निकालेगा, ठीक है। ओके, केस नंबर टू, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन निकालने का। केस नंबर टू में वो क्या कहेगा, केस नंबर टू में कुछ ऐसा मेंशन होगा कि सपोज करो ये आपका एक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, कोई एक्सपेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। और सपोज करो आपने इसके ऊपर यहां पे ये मास एम लगा दिया, एम लगा दिया, बांध दिया और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कहां जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाके यहां पे तो आएगा नहीं, नीचे आके रुकेगा जहां पे रुकेगा। तो मान लो ये कहां पे रुका, सपोज करो ये एक्सपैंड हो गया और ये यहां पे आके रुक गया, यहां पे आके रुक गया, ठीक, कभी ना कभी तो रुकेगा, तो मास बांध दिया तो छोड़ दिया, यहां आके रुक गया। तो जहां पे ये स्प्रिंग रुकेगा या मास रुकेगा, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को बोलते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये ब्लॉक किस पे नजर आएगा आपको, एट रेस्ट, राइट, क्लियर है यहां तक। ऐसा क्यों हुआ या इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हुआ, रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि इसकी एक फोर्स कहां एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एमजी जिससे नीचे आया, और स्प्रिंग की फोर्स कहां एक्ट करेगी, ऑपोजिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के टाइम्स एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। आपने कहा नेगेटिव नहीं लगाया, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन, तो मैंने वेक्टर शो कर दिया ना डायरेक्शन, ये रही माइनस के एक्स का, तो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो मैं अच्छा चलो मैग्नीट्यूड ले लो, एक ही बात है, तो मैग्नीट्यूड फोर्स का के इंटू एक्स नॉट है, नीचे की फोर्स एम जी है, और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे आ चुका है, तो नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, और नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन है, नेट फोर्स जीरो, तो क्या कंडीशन बनेगी, एम जी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉट, क्योंकि आपने नेट फोर्स को क्या कर दिया इसमें, जीरो, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम की, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एम जी डिवाइडेड बाय के। तो ये रूल क्लियर है यहां तक, ठीक। तो जहां पर ये एंड में रुक जाएगा उसको क्या बोलते हैं, कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नीचे और ऊपर की फोर्स बराबर है, बराबर किया, आंसर आ गया, आपको न्यूमेरिकल आएगा, आपको एम देगा, आपको जी देगा, आपको के देगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आप ये कंडीशन लगाएंगे एम जी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉट, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। कोई डाउट इसमें, ठीक। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मास हमेशा किस पे रहेगा, एट रेस्ट, ठीक। चलो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन का बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपसे ये न्यूमेरिकल भी होगा, हम शीट्स में देखेंगे न्यूमेरिकल ऐसे, तो बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक। और वैसे भी स्प्रिंग ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग के ऊपर पूरा तीन तीन चार चार क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता, स्प्रिंग तो बीच बीच में यूज होता है कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता कि स्प्रिंग के एक्सक्लूसिव क्वेश्चन हैं, कहीं पर भी अगला चैप्टर आएगा उसका अगला आएगा, बीच बीच में स्प्रिंग यूज होते रहेंगे और मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालता रहूंगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स के कॉन्सेप्ट से निकलेगी, मैंने बता दिया। अब सपोज करो तीसरा केस है, मान लो एक मिनट के लिए ये आपका वही स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर
मास्क लगा दिया, फिर से मास्क लगाया, ठीक है, ये मैंने मास्क लगा दिया, अभी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ रुकेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, हमें निकालनी आ गई, पर मैंने आपसे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पोजीशन का पूछना ही नहीं, आपको वो क्यों, सपोज अब प्रैक्टिकल होगा क्या, आपने मास्क लगाया, मैं छोड़ रहा हूँ मास्क को, ये देखो क्या हुआ, बना हुआ स्प्रिंग, मास्क नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे ऊपर नीचे, यहाँ के रेस्ट पे आएगा, फिर देखो ये मास्क लगाया यहाँ पे, एक बार तो बहुत नीचे जाएगा, बंजी जंपिंग की तरह नीचे जाएगा एकदम मास्क, फिर एक बार ऊपर, नीचे ऊपर, फिर बीच में आके कहीं रुक जाएगा, जहाँ रुकेगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो रुका तो वो यहाँ पे था, मान लो रुक तो वो यहाँ पे गया था, और ये इसकी कौन सी पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मान लो ऐसा है, दिस इज दी इक्विलिब्रियम पोजीशन, पर मैंने पूछा ही नहीं, मैंने पूछा फर्स्ट टाइम जब ये नीचे गया होगा तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ होगा, वो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, उसको बोलते हैं एक्स मैक्स, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी या मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग बताओ क्या रही होगी, क्योंकि एक बार तो स्प्रिंग पूरा खुल गया होगा एक्स मैक्स, फिर ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर एक्स नॉट पे रुका होगा, तो सिचुएशन क्लियर है, जब आप मास को छोड़ते हैं तो एक बार तो वो काफ़ी नीचे गया एक्स मैक्स, फिर ऊपर नीचे करके एक्स नॉट पे रुका, तो एक्स नॉट कैसे निकालना है वो तो आ गया हमें, एक्स मैक्स कैसे निकालना है वो ये क्वेश्चन है, तो पॉइंट समझ में आया कि हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक्स मैक्स, एक्स मैक्स को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एक्सपेंशन, राइट, क्लियर है यहाँ तक, तो इस डायग्राम को फिर से थोड़ा और बेटर बना रहा हूँ, सेम डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बना रहे हो बना लो, सेम डायग्राम है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, मास लगाया, मास नीचे आया, तो कुछ ऐसे बनाता हूँ डायग्राम, तो ये जो पोजीशन है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स मैक्स है, ये कितना है, एक्स मैक्स है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाई नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं यहां पर एग्जिस्ट करती होगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने ड्रॉ नहीं की, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इक्विलिब्रियम का तो केस हमने कर ही लिया ना, तो बार बार क्यों डिस्कस करना, आप तो एक्स मैक्स निकालना है, राइट, क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये स्प्रिंग की प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन जो, देखो स्प्रिंग के अंदर फॉर्मूले दो ही हैं, या तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स का है फोर्स का, या एनर्जी का हाफ के एक्स का, तीसरा कुछ नहीं है, तो या तो कॉन्सेप्ट फोर्स का लगेगा या कॉन्सेप्ट एनर्जी का लगेगा, कब कौन सा लगेगा ये डिसाइड कैसे करना है, इसका एक सिंपल रूल है, रूल ये है जब भी स्प्रिंग के अंदर आपको इक्विलिब्रियम पोजिशन का क्वेश्चन आए, तो इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, फोर्स का, एम जी इज इक्वल टू के एक्स, और जब भी एक्स मैक्स आए यहां पर ये मास रेस्ट पे आएगा फॉर एन इंस्टेंट, पर परमानेंट रेस्ट पे नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर इक्विलिब्रियम होती फिर तो सदा ही रेस्ट पे रहता, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाती, पर ये रेस्ट पे नहीं रहा, ये वापस चला गया, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती कभी फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, किसका लगेगा, एनर्जी का, तो क्लियर है यहां तक, तो 99% क्वेश्चन में एनर्जी ही लगती है और 1% इक्विलिब्रियम निकालने के लिए फोर्सेस लगती हैं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अब एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहां पर दो फोर्सेस ऐड कर रही हैं, एक ग्रेविटी और एक स्प्रिंग एनर्जी, और दोनों के दोनों कंजर्वेटिव हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी कंजर्वेशन लगती है, यानी कि पोजीशन नंबर वन, ये मान लो पोजीशन नंबर वन है, एंड पोजीशन नंबर टू पे सम ऑफ या टोटल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, यही होती है एनर्जी कंजर्वेशन, कि पॉइंट नंबर वन ले लें, पॉइंट नंबर टू ले लें, टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट, क्लियर है यहां तक, अब टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी बोलो, पहली एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी, अब दो, एक दो एनर्जी भी पोटेंशियल दो टाइप की हैं, ग्रेविटेशन भी है और स्प्रिंग एनर्जी भी है, और तीसरी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, अब दो की जगह तीन हो गई, ठीक, और लोएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहेगा, सेम, इसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन,
हमने स्प्रिंग, अगर याद करो पेंडुलम सर्कुलर मोशन किया था, उसमें स्प्रिंग नहीं था, बाकी एनर्जी का सम तो हमेशा सेम ही था, इसमें एक्स्ट्रा एक और एनर्जी आ गई, स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी। क्या ये रूल क्लियर है यहाँ तक? तो लोएस्ट पॉइंट को हमेशा क्या माना जाता है? ग्राउंड। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। स्प्रिंग एनर्जी कितनी? स्प्रिंग से पूछो तो कितना एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग कहां से देखते हैं अपनी एक्सपेंशन? फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ से कितना एक्सपेंडेड है? एक्स मैक्स। तो यहां पर क्या आएगा? एक्स मैक्स। काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इंस्टेंट यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो। सही है। अच्छा, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? एम जी इंटू एक्स मैक्स, क्योंकि हाइट कितनी है यहां से? एक्स मैक्स। क्लियर है यहां तक? और स्प्रिंग एनर्जी यहां पर कितनी है? जीरो, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे। काइनेटिक कितनी है? जीरो, रेस्ट से ड्रॉप किया था। तो इन्हें इक्वेट कर लेते हैं। जब इक्वेट करेंगे एम जी इंटू एक्स मैक्स इज इक्वल टू, यहां से एनर्जी क्या आएगी? हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स मैक्स की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 2 mg/k। आंसर क्या आएगा उसको छोड़ो, ये तो अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे एक्स मैक्स के केस में क्या लगेगी एनर्जी? कंजर्वेशन। समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक्स नॉट निकलेगा इक्विलिब्रियम फोर्स के कॉन्सेप्ट से, एक्स मैक्स निकलेगा एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन देखनी है कितनी है, और एक्सपेंशन हमेशा कहां से देख जाती है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से देनी है हमेशा। सही है यहां तक? तो देखो, तो इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर ना शीट आएगी बुकलेट के अंदर, जिसमें ना ऐसे एग्जांपल्स गिवन होंगे। तो मैंने ये एग्जांपल करवा दिया, हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने चेंज कर दिया। देखो मैंने एग्जांपल क्या लिया, मैंने एग्जांपल लिया एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, मैंने मास लगाया होगा, तो ये कौन सी पोजीशन पर आ गया होगा? इक्विलिब्रियम। रुक गया, यहां रुका हुआ था इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कहां पर है? एक्स नॉट पे है। ये यहां पर रेस्ट पे है। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, ये आराम से रेस्ट पे पड़ा हुआ था ब्लॉक, मैं गया मैंने वी वेलोसिटी दे दी। जब मैंने वी वेलोसिटी दी तो ये ब्लॉक नीचे गया, फॉर एन इंस्टेंट नीचे गया, फिर ऊपर नीचे आया होगा। आपको बतानी है कितना नीचे गया, आराम से रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम पे था, ये कितने कितना नीचे गया ये आपको निकालना है। अब ये बताओ कि जब ये नीचे गया तो मैंने शुरू से इसकी एक्सपेंशन कितनी ले ली? एक्स मैक्स। और ये एक्सपेंशन कितनी थी? एक्स नॉट। तो मुझे निकालना क्या है? एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, राइट? रूल वही है, इस इंस्टेंट पर ये इक्विलिब्रियम तो है नहीं, और अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है तो जहां से चला और जहां पर आया टोटल एनर्जी का सम विल रिमेन सेम। तो फर्स्ट पॉइंट पर बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी। अगर ये ग्राउंड है तो डिस्टेंस क्या बनेगा? एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, राइट? एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, तो क्या आएगा? एम जी एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट। इस पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? स्प्रिंग से पूछो, स्प्रिंग कहता है ये मेरी नेचुरल लेंथ है और मैं यहां पर हूं, तो मैं कितना एक्सपेंडेड हूं? एक्स नॉट। तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक कितनी मैंने दी इसे? हाफ एम वी स्क्वायर। तीन एनर्जी आ गई। लोएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटेशन एनर्जी क्या हो गई? जीरो। काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इंस्टेंट क्या हो गई? जीरो। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो गई? कहां से लेनी है? फ्रॉम नेचुरल लेंथ से। एक्सपेंशन कितनी है? एक्स मैक्स।
तो नेचुरल लेंथ से एक्स मैक्स हो गया, तो हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ये मैंने बनाया क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ तो ऐसा आएगा नहीं, पर मैं आपको तो एनर्जी कंजर्वेशन बता रहा हूँ कि कैसे लगेगी। तो आप ये ना सोचें इसको याद करना है, कुछ याद नहीं करना, बस आप सिचुएशन समझो आपको लगानी आ रही है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आएंगी अभी करवाऊंगा वो। अच्छा ये ज़्यादा आसान है, ये देखो ये हो जाएगा। सपोज करो सेम केस है, ये रहने इसकी जगह ये करते हैं। चलो सपोज एक ब्लॉक लटका हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, आराम से रेस्ट पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब इसकी कहीं ना कहीं नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन कितनी रही होगी, एक्स नॉट। आपने वी वेलोसिटी दी, ये यहाँ पर आ गया, आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स डैश। तो क्या करें, यहाँ से चला यहाँ पर आया, टोटल एनर्जी यहां पे बोलो क्या होगी, ग्रेविटेशन एनर्जी क्या है, एम जी इंटू एक्स डैश। काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर। एक्सपेंशन लेते हैं अभी भी यही ली। पॉइंट नंबर वन पे नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन कितनी है, एक्स नॉट। तो स्प्रिंग एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब स्प्रिंग से पूछो ना, जब ये वन पॉइंट पे है तो एक्सपेंडेड है, स्प्रिंग है एक्सपेंडेड हूं कितना, एक्स नॉट। तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर। फिर लोएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटेशन एनर्जी कितनी, जीरो। काइनेटिक कितनी, जीरो। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी, स्प्रिंग से पूछो कितना एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग क्या बोलेगा, नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट प्लस एक्स डैश। तो टोटल एक्सपेंशन कितनी है, एक्स नॉट प्लस एक्स डैश, तो वो स्प्रिंग की एनर्जी है। अगेन ऐसा क्वेश्चन आए ना आए, पर एनर्जी कंजर्वेशन लगानी आ रही है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या अभी शुरू करेंगे, ये तो मैंने अपने मन से क्वेश्चन बना रखे हैं सारे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। अब ये प्रैक्टिकल ऐसे चलता है, तो सिचुएशन ऐसी आएगी, एक स्प्रिंग है, तो एक स्प्रिंग यहाँ पड़ा हुआ था, ये एक स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ पे था। एक ब्लॉक आ रहा था टेबल के ऊपर विद द वेलोसिटी ऑफ वी, पास आ रहा है पास आ रहा है पास आ रहा है, इसने स्प्रिंग को टच किया यहां पे विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और फाइनली स्प्रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया, मैक्सिमम एक्स मैक्स दबा दिया। सिचुएशन समझ में आ रही है, तो क्या सिचुएशन है, एक ब्लॉक आ रहा है दूर से, आता 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 से हिट किया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हुआ, एक्स मैक्स। अब अगली सिचुएशन क्या होगी, क्या ये हमेशा रेस्ट पे पड़ा रहेगा, यहां पे रुक गया बस केस खत्म, नहीं। क्या होगा, स्प्रिंग उठा के इसे वापस भेज देगा, तो इसका मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है तो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, किसका लगेगा, एनर्जी का। तो जब ये ब्लॉक इसको पहली बार टच करता है और दबाना शुरू करता है और ये पूरा दबा देता है, तो इन दो पोजीशंस पर टोटल एनर्जी का सम क्या रहेगा, सेम। कैसे, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर पॉइंट नंबर वन पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड पे है और स्प्रिंग एक्सपेंडेड कंप्रेस्ड हुआ ही नहीं यहां पर, तो स्प्रिंग की एनर्जी भी जीरो, सिर्फ काइनेटिक है। और जब यह दब गया तो काइनेटिक फॉर एन इंस्टेंट क्या हो गई, जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी भी क्या है, जीरो, ग्राउंड पे ही तो है, चेंज ही नहीं हो रही। अब स्प्रिंग से पूछो तो कितना कंप्रेस हो गया, वो कहता है एक्स मैक्स, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन आएगा एक्स मैक्स निकालो, इन्हें इक्वेट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएंगी, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड के साथ आ रहा है, के आपको 100 गिवन है, एक्स मैक्स बताओ, तो और क्वेश्चन ईजी हो जाएगा थोड़ा। पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी इसमें। इसको करने का किताबों के पास एक और तरीका है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो कहती है, और एनर्जी कंजर्वेशन में वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड चेंज ऑफ स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। चेंज ही नहीं होगा तो एनर्जी कंजर्व ही होगी। तो सेम क्वेश्चन को इस मेथड से अगर कोई लगाए तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल का चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। और स्प्रिंग एनर्जी का चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। एक बात बताओ, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, जीरो, इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर।
राइट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की जीरो पहले भी और बाद में भी, राइट। स्प्रिंग एनर्जी फाइनल हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर और इनिशियल क्या थी, जीरो, इक्वल टू जीरो। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो हाफ एम वी स्क्वायर राइट साइड पे चला जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, मतलब सेम इक्वेशन आएगी जो ऊपर आई थी। दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट सेम है, कौन सा मेथड पसंद है, पहला कि दूसरा? तो पहला लगा लो, क्या दिक्कत है, लेकिन कई बुक्स दूसरा लगाती हैं, मैं पहला ही लगाऊंगा हमेशा। अगर कोई दूसरा लगाती हो तो प्लीज़ अब आपको समझ में आना चाहिए कि वो कर क्या रही है, इसलिए बताया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?